पाकिस्तान शाहीन बाग, ये मुद्दा बीजेपी का दिल्ली चुनाव में नहीं चला, लेकिन बिहार में और बंगाल में दूसरे राज्यों में क्या लग रहा है, जो एजेंडा है ये काम करेगा या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं काम करेगा। लोग आहिस्ते आहिस्ते जागरूक हो रहे हैं और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। यूपी में आपने देख लिया, इतना बच्चे के पैदा होने का रेट नहीं है जितना मरने का रेट है एक इंसान के। तो यूपी का बड़ा अच्छा, कल फेसबुक पे मैंने एक सोशल नेटवर्किंग पे मैसेज पढ़ा कि दिल्ली वालों आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके हिस्से में कोहिनूर आया और हमारे हिस्से में गौमूत्र और गोबर, यही आ रहा है ना उनके हिस्से में। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है, पढ़ा लिखा होना इंसान के लिए बहुत जरूरी है, अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे समझेंगे तो सवाल करेंगे ना। इसीलिए यूपी वालों से, खैर यही मेरी एक गुजारिश है सबसे, कि जितने लोग आपके वहां पे है, जितना आपका कनेक्शन है वहां पे, जैसे वो जिन्हें उसे जिन्हें बनाते हैं ना, आप लोग अपनी सोच से समझ से तर्क से अपने लोगों को जोड़िए और उनको समझाइए। आज दिल्ली से खत्म हुई है ना ये सरकार बड़ी जल्दी यूपी से भी जाएगी, झारखंड से गई ना, तो हमारे ही हाथ में है। वन वोट वन वैल्यू, बाबा साहिब ने समझाया था, एक वोट की कीमत क्या है वो आपके हाथ में है। अपना वोट सोच समझ के दीजिए, बड़े अच्छे अच्छे सपने दिखाएगी ये सरकार, लेकिन अल्टीमेटली आपका कोर्ट ये सरकार। कांशीराम जी ने क्या कहा था कि जब दलित पढ़ने लिखने लगेगा बच्चा, तो ये लोग किसका सहारा लेंगे? कोर्ट का सहारा लेंगे आपके अगेंस्ट काम करने के लिए। और आज देख लीजिए क्या हो रहा है, जब आप पढ़ लिख रहे हैं, आप तर्क कर रहे हैं, आप आवाज उठा रहे हैं, तो ये लोग कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, कोर्ट ने किया जो किया। अरे कोर्ट को सपना आना था, कोर्ट सोए सोए उठ गया, और कोर्ट में भी कौन है? इन्हीं के लोग हैं कोर्ट में जो है इन्हीं के लोग हैं। तो जब सब जगह वकील अजी जजेस जो है वो पहले ही आपके खिलाफ है, जज तो चाहता है आप कुछ लेकर आए, आपके अगेंस्ट फैसला लें, जो जज है वो ऑलरेडी आपके, क्योंकि सब मनुवादी विचारधारा के, वो हिंदुस्तान का बाबा साहिब का संविधान पढ़ के नहीं आते कोर्ट में, वो कसम जरूर खाते लेकिन रोज मनु का संविधान पढ़ के वो कोर्ट के अंदर आते हैं, तो वो आपके खिलाफ है। इसलिए बड़ा जरूरी है पढ़ना, अपने लोगों को आगे लेकर आना, आपके लोग आप में से वकील बने जज बने, जब आपके लोग सामने आएंगे तो सवाल करेंगे और ऐसी सरकार को हराएंगे। आप जो काम आप नहीं कर सकते वो सरकार से करवाते हैं। फिर गृहमंत्री जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले का सब सम्मान करेंगे। कैसे सम्मान करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? आप आके हमारा कत्ल पे कत्ल करते जाएंगे, हमें क्रोनोलॉजी समझाते जाएंगे, और हम क्रोनोलॉजी समझ के, क्रोनोलॉजी वो वाली क्रोनोलॉजी नहीं, क्रोनोलॉजी वो वाली जो दलितों पे वार है, जो दलितों पे आदिवासियों पे वार है। आप हमारी यूनिवर्सिटी का निजीकरण करें, प्राइवेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का निजीकरण? दलित का पिछड़े का बच्चा आप प्राइवेट सिस्टम में रिजर्वेशन है? नहीं है ना। तो जो प्राइवेट सिस्टम में रिजर्वेशन नहीं है, आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं यूनिवर्सिटी को, पहले जेएनयू पे डीयू पे आक्रमण फीस बढ़ा रहे हैं, आप हमारे बच्चों को मार रहे हैं, क्योंकि दलितों के पास इतना पैसा नहीं होता कि लाखों रुपए देके तीन तीन महीने की फीस 6-6 लाख 7-7 लाख है। इनको दिखा कि ये 7-8 हजार लोग आते हैं हर बार, 6-7 हजार में एनुअल इनकम में बड़े अफोर्डेबल रेट में पढ़ के चले जाते हैं इनके बच्चे, और आ रहे हैं जी सवाल कर रहे हैं। आज आप अपने रिजर्वेशन से चंद टिकटें लेके जाकर बैठे हैं संसद के अंदर, उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप सवाल कर रहे हैं। तो सरकार की ही मंशा है ये, जो मनुवादी विचारधारा के, जो अमित शाह एक तड़ी पार, दूसरा अब हो गया बीएमए पार, पास नहीं गृह मंत्री सर्टिफिकेट दिखा रहा है प्रधानमंत्री को डिफेंड करने के लिए। देखिए गृह मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री का वकील है, समझने की कोशिश कीजिए। वो सर्टिफिकेट किसके दिखा रहा है? प्रधानमंत्री के, कि अब ये लो जी हमारा प्रधानमंत्री पास हो गया बीए और एमए पास। तो आप ये बड़ी अच्छी साजिश है, अभी भी दलितों भोजनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि समझ जाइए, जाग जाइए, इस सरकार की मंशा को समझिए, क्योंकि सरकार की मंशा है कि आपको मेन स्ट्रीम से काटना। अगर आप अभी नहीं समझे, क्योंकि वो प्रूफ करेंगे कि आप लोग वोट देते हैं, वो प्रूफ करेंगे इस चीज को कि हमारी सरकार ऐसे नहीं बनती। देखिए आपने हमें वोट दिया है, आप लोग काय वोट देते हैं? क्यों अपना वोट खराब कर रहे हैं? क्यों जगह जगह जा जाके अपने लोगों को समझाते नहीं है? बड़ा जरूरी है हम लोगों को समझाना, ये सिस्टम हम लोगों के लिए सेफ नहीं है जब तक ये मनुवादी विचारधारा के लोग मानते हैं कि आरक्षण पर खतरा है सरकार। बिल्कुल खतरा है, खतरा नहीं है, मैंने कहा कम और ज्यादा करने के नहीं। ये जो इस प्रावधान आया है कि स्टेट आरक्षण को देखेगी, स्टेट क्या करेगी?